मुंबई में रखी मेट्रो परियोजना की आधारशिला, कहां मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार कर रही है काम, आवास के लिए भी बीच में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा, परिवहन, गृह और पीडब्ल्यूडी मिलकर करें सुरक्षा के लिए काम। महिलाओं को जागरूक कर बाल विवाह समाप्त करने समेत अनेक कुरीतियों को रोकने के लिए काम करने वाली बेटियों को किया गया सम्मानित। और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने अपनी पत्नी के साथ मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल का किया दीदार। उन्होंने ताजमहल की जमकर की प्रशंसा। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नई रफ्तार के साथ प्रगति कर रहा है और आज दुनिया भर में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। मुंबई में एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में उनकी सरकार ने देश को पीछे ले जाने वाली बंदिशों को तोड़कर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने पिछले 4 साल में बदलते भारत की तस्वीर लोगों के सामने रखते हुए कहा कि देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आधारभूत संरचना के पहलू पर तेजी से प्रगति कर रहा है। जीएसटी समेत सरकार द्वारा उठाए गए तमाम सुधारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को भारत में न्यू नाम मान लिया गया है, लेकिन अब भारत की तस्वीर और छवि दोनों बदल रही है। आज हम उस स्थिति की तरफ पहुंच रहे हैं जहां 99% चीजें, 99% चीजें 18% या उससे कम टैक्स के दायरे में लाई जा सकती है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो 0.5% लग्जरी आइटम्स होंगे वही शायद 18% के बाहर रह जाएंगे। हमारी यह मत है कि जीएसटी को जितना सरल और सुविधाजनक किया जा सकता है उसे किया जाना चाहिए। एक दिन हेलीकॉप्टर घोटाले का इतना बड़ा राजदार क्रिश्चियन मिशेल भारत में होगा, सारी कड़ियां जोड़ रहा होगा। 4 साल पहले यह भी किसी ने नहीं सोचा था कि 1984 के सिख नवसंहार के दोषी कांग्रेस नेताओं को सजा मिलने लगेगी, लेकिन यह भी पहली बार हुआ है जब कुछ सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत गए और अदालत ने उन्हें 2 टूक जवाब मिला कि जो काम हुआ है वो पूरी पारदर्शिता से हुआ है। अलग अलग वजह से जब ये कंपनियां बीमार पड़ती थी, घाटे में चली जाती थी, बैंकों का पैसा नहीं लौटा पाती थी, तो इन कंपनियों को और इन कंपनियों के मालिकों को कुछ नहीं होता था। इन कंपनियों को एक खास तरह का सुरक्षा कवच मिला हुआ था, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसमें कुछ खास लोगों, कुछ खास परिवार के निर्देश चलते थे। लेकिन 2016 में इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाकर मैंने इस सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं ऐसी कंपनियां खुद अपना पैसा लौटाने के लिए आगे आ रही है। 2 साल में अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए
खुद चलकर ऐसी कंपनियों ने बैंकों को और अपने देनदारों को लौटाया है। आज पूरी दुनिया में भारत की आवाज गंभीरता से सुनी जाती है। दुनिया की ताकतवर संस्थाओं में भारत को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ विचार होता है और भारत के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। ओपेक जैसी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व न होने के बावजूद भारत की बात वहां सुनी जाती है। साथियों, ये दुनिया में भारत के प्रति बड़े विश्वास और हमारे मजबूत संबंधों का ही परिणाम है। सिर्फ सड़कें, फ्लाईओवर, मेट्रो नहीं, ये नया भारत बनाने का काम हो रहा है। मैं आज उस शहर में हूं जिसके लिए कहते हैं द सिटी दैट नेवर स्टॉप्स। मैं यहां खड़ा होकर आपको ये कहना चाहता हूं कि टुडे इंडिया इज अ कंट्री दैट नेवर स्टॉप्स। महाराष्ट्र की एक दिवसीय यात्रा पर मुंबई पहुंचे और पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को यातायात की बेहतर सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने मुंबई में जहां मेट्रो दो परियोजनाओं की आधारशिला रखी, वहीं पुणे में भी तीसरे फेज के मेट्रो की आधारशिला रखी। उन्होंने इस मौके पर आयोजित जनसभाओं को भी संबोधित किया। एक दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में ढेरों विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने मुंबई वासियों को यातायात की सुगम सुविधा के लिए ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो रेलमार्ग 5 और दहीसर मीरा भयंदर मेट्रो रेलमार्ग 9 का शिलान्यास किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले करीब 90,000 घरों की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने इस मौके पर घर हासिल करने वाले लोगों को आवंटन पत्र भी सौंपा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि मौजूदा सरकार का मकसद सिर्फ देश की आधारभूत संरचनाओं का भविष्य की जरूरतों के मुताबिक निर्माण करना है। उन्होंने 2014 तक मेट्रो की सुस्त रफ्तार के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार बताया। पहली लाइन 2014 में शुरू हो पाई और वो भी सिर्फ 11 किलोमीटर की लाइन 8 साल में सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर। 2014 के बाद हमने तय किया कि मेट्रो लाइन बिछाने की स्पीड भी बढ़ेगी और स्केल भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने देश के मध्यम वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा है। एलईडी बल्ब हो या घर, सभी से सीधा फायदा मध्यम वर्ग को हुआ है। उन्होंने कहा कि देश भर में उजाला योजना के तहत 30 करोड़ से भी ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं, जिनमें से करीब 2.25 करोड़ बल्ब महाराष्ट्र में ही बांटे गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार 2.5 लाख रुपए तक की मदद सीधे बैंक में जमा कर रही है, जिसका सीधा फायदा निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को हुआ है। इसके अलावा पहले के मुकाबले होम लोन पर ब्याज दर में कमी करके निम्न आय वर्ग के लिए इसे 6% कर दिया गया है। मिडिल इनकम ग्रुप वालों को भी 3 से 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिशों की बदौलत बीते 7-8 महीनों में नए घर खरीदने की रफ्तार पिछले वर्ष के मुकाबले 2 गुनी से भी अधिक हुई है। मुंबई की सभा के बाद पुणे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के हब के रूप में विख्यात पुणे शहर को मेट्रो रेल परियोजना के तीसरे चरण की सौगात प्रदान की। इस परियोजना के तहत हिंजेवाड़ी और शिवाजीनगर के बीच नई मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, जिससे हजारों की संख्या में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल करने वाले लोगों को फायदा होगा। इस मौके पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास के हाईवे से आज कोई पीछे नहीं रह सकता। महाराष्ट्र की सरकार के उस व्यापक विजन का हिस्सा है जिसके केंद्र में इंफ्रास्ट्रक्चर है,
बुनियादी सुविधाएं हैं। आप बीते चार साढ़े चार वर्षों से आप निरंतर देख रहे हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस सरकार का फोकस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो आज के समय में शहरों की लाइफलाइन बन चुकी है। इसी का परिणाम है कि इस समय देश में 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की मेट्रो लाइन चल रही है और करीब 650 किलोमीटर से ज्यादा की लाइनें पूरी होने को हैं। महाराष्ट्र में भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 200 किलोमीटर से भी अधिक की मेट्रो लाइनों का निर्माण कर रही है। उन्होंने देश भर में हो रहे मेट्रो विस्तार के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल इंडिया अभियान व्यापक स्वरूप ले चुका है और जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जीवन प्रमाण पत्र तक की सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। प्रधानमंत्री ने युवाओं की नब्ज को टटोलते हुए कहा कि स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से भारत भविष्य की तकनीक का एक बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप के मामले में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हुआ। दोनों सदनों में भाजपा विधायक स्वर्गीय रामकुमार वर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद विधानसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेता सदन, विधानसभा अध्यक्ष समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने भी दोनों स्वर्गीय नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि इनकी कमी राजनीति में हमेशा रहेगी। स्वर्गीय तिवारी ने 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत केंद्र सरकार की अहम जिम्मेदारी भी निभाई। इस सम्मानित सदन में मुझे बड़े दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी का 18 अक्टूबर 2018 को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देश और प्रदेश के प्रति की गई उनकी सेवाओं के लिए एक विकास पुरुष के रूप में उनको हमेशा स्मरण किया जाएगा। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अमृत मिले, शांति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। मैं इस आदरणीय सदन में सभी दलों द्वारा व्यक्त किए गए विचार और शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा। आइए उनकी स्मृति में आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें खड़े होकर। उधर विधान परिषद के मंगलवार के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में विधान परिषद के नव निर्मित सदन का सभापति और उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने औपचारिक रूप से उद्घाटन किया, जिसमें परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहे। परिषद में भी कल दिवंगत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी और राम कुमार वर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। सदन ने इन दोनों नेताओं के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मौन रखा। इसके साथ ही विधान परिषद कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि 95% दुर्घटनाएं मानवीय भूल के कारण होती हैं। यदि लोक यात्रा ई गवर्नेंस पत्रिका के विशेष संस्करण का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन, गृह व पीडब्ल्यूडी विभाग मिलकर सुरक्षा के लिए काम करें, जिससे दुर्घटनाओं को तो रोका जा सके, साथ ही सुरक्षा भी दी जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क यातायात के नियम शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, जिससे परिवहन विभाग में भी को इस विषय की जानकारी प्राप्त हो सके। ऑनलाइन लाइसेंस के मामले में वो कड़ाई से पालन हो रहा है और आपके नेतृत्व में मैं सभी अधिकारी कर्मचारी जो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और एक तरह के जो कानून बनता है, कानून भ्रष्टाचार में तब्दील न हो, कानून नियम का पालन हो और कड़ाई से पालन हो, जैसे दिल्ली के अंदर लोग घुसते हैं उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी लोग अपने को समझें कि नहीं सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो चालान होगा। यह भी अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है। पहली बार राज्य के अंदर 7,000 विद्यालय और ऐसे 11-12,000 के ऊपर स्थानों पर
रोड सेफ्टी के कार्यक्रम हुए जो समाज से जोड़ने का काम हुआ है, लगभग 14 लाख के ऊपर लोगों ने प्रतिभागी हुआ है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके थोड़ा भी उसके प्रति हम समाज को जागरूक कर लें, प्रतिदिन मौत के आंकड़े और उसके बाद होने वाली जन और धन की हानि को हम न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं। और मुझे लगता है सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए जो नियम हैं, सामान्य लोगों के लिए वह छोटी बात हो सकती है, लेकिन कभी कभी वे छोटे नियम ही बड़े कारगर होते हैं। कभी कभी सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों को सख्ती के साथ पालन उस व्यक्ति को जीवन दान भी दे सकता है और अक्सर देता ही है। मैं अक्सर इसमें बात को लखनऊ में देखता रहा हूं। यहां पर अचानक बहुत सारे फ्लाईओवर ऐसे थे जो बहुत सारे नौजवानों के लिए स्टंट के माध्यम बने हुए थे, और कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वहां पर 2-4 नौजवान अपनी जान न गंवाते रहे। पुलिस ने सख्ती की, कुछ लोगों ने प्रतिरोध किया, लेकिन प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए जब जीवन के साथ हो रहे उस खिलवाड़ को सख्ती के साथ रोका गया। मैंने विगत एक वर्ष से देखा कि एक भी ऐसे मामले नहीं आए हैं जिसमें स्टंट करते हुए युवाओं को अपनी जान जोखिम में डालने की मौत आई हो। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अमर उजाला फाउंडेशन और यूनिसेफ द्वारा लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महिला जागरूकता के लिए काम करने वाली बेटियों को सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिन बेटियों को सम्मानित किया गया है उनके नाम पर उनके गांव की सड़क बनेगी। इस अवसर पर श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों के गांवों में रहने वाली बेटियों को वीडियो कथाओं के लिए चयनित किया गया और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का भी जिक्र किया गया। स्मार्ट बेटियों का प्रश्न है, अब मुझसे पूर्व रूच जी ने और साथ ही साथ नीजा ने बिल्कुल सच कहा। जिस तरह से पिछले 4 दशकों में भारतवर्ष की लड़कियों का महिलाओं का परसेप्शन बदला है, जिस तरह से 80 के दशक से आज तक महिलाएं कदम ब कदम आगे बढ़ रही हैं, वो तो हमारे इतिहास में अंकित हो गई होगा। लेकिन विगत 5 वर्षों में जिस तरह से महिलाओं की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का प्रयास हुआ है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब नारा दिया, सब सोचते थे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी तो सरकारें बेटी पढ़ा रही है, बेटी बचा रही है। लेकिन उसका असर अब दिख रहा है कि ये नारा घर घर में प्रवेश कर चुका है, हर बेटी के दिल में बैठ चुका है कि अगर मैं बेटी हूं तो मुझे जीने का हक है, अगर मैं बेटी हूं तो मुझे पढ़ने का हक है। पहले तो मैं इस प्रकार के आयोजन की बहुत हृदय से सराहना करता हूं। आप इस दिशा में आगे बढ़े हैं, आपको बहुत बधाई देता हूं, सरकार की ओर से भी बधाई देता हूं, और जहां कहीं भी किसी अच्छे काम में के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, पूरी सरकार हर अच्छे काम में खड़ी है, लेकिन आप बिना सरकार के सहयोग से इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इतने अच्छे काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मैं इसकी अगर प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक मुझे बचपन में गीत आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि माना अंधेरा घना है लेकिन दीप जलाना कहाँ मना है, उसी दिशा में मैं समझता हूँ कि आज का जो यह प्रयास और प्रयास का परिणाम जो वीडियोज हम देख रहे हैं, मैं गांव से आता हूँ, मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ अभी जो वीडियो मैं देख रहा हूँ, वास्तव में यह कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों के अंदर इस प्रकार की भ्रांतियां, इस प्रकार की स्थितियां नहीं,
कहीं बाल विवाह की, कहीं अब बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, देश भी बढ़ा है, प्रदेश भी बढ़ा है और बेटियां भी हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं। लखनऊ में महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने नारी सशक्तिकरण अभियान के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि 9256 ग्राम संयोजिकाओं को विभाग ने नियुक्त किया है। इनको एक हफ्ते की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा इनके नीचे और लोगों की नियुक्ति भी की जा रही है जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी शिक्षकों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं 5 अन्य महिलाओं को जिलाधिकारी द्वारा चयनित किया गया है। महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए ये लोग काम करेंगे और इनको सहयोग भी देंगे। कोई भी प्रोग्राम होता था, जैसे केंद्र की योजना है, प्रदेश की योजनाएं हैं, सामान्य योजनाएं जो सबके लाभ के लिए हैं, कुछ योजनाएं जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, कुछ दलितों के लिए हैं, कुछ पिछड़ों के लिए हैं, कुछ अल्पसंख्यकों के लिए हैं, कुछ बच्चों के लिए हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन जितना भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो, महिलाओं के लिए खासतौर से जो योजनाएं लागू की गई उनका क्या इम्पैक्ट हुआ, उनका जमीन में धरातल पे वो पहुंची कि नहीं पहुंची, इसके लिए महिला सशक्तिकरण अभियान का विचार किया गया। सभी 820 ब्लॉक्स में इसको लागू किया गया और सबसे पहले इसके लिए हुआ कि संयोजिकाएं इसके लिए सिलेक्ट की गई। तो इस प्रकार आप ये समझ लें कि एक बड़ी फौज, करीब करीब 1,20,000 समझ लीजिए, 1,20,000 महिलाओं की फौज को, और ये सब महिलाएं थी, इनको उतारा गया 820 ब्लॉकों में कि आप सभी लाभार्थियों के घर जाएं। हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम ये किया कि सभी लाभार्थियों की सूची बना ली 27 नवम्बर से, और 15 दिसंबर तक लगातार ये लोग घूमी। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि डेली रिपोर्ट वहां से आती थी 1,39,00,000 महिलाओं तक हम लोगों ने अप्रोच किया, उन तक पहुंची। प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया है। कन्नौज जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में महिला सशक्तिकरण अभियान के समापन के अवसर पर बताया गया कि महिलाएं गांव-गांव जाकर महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही 102 व 108 हेल्पलाइन व महिलाएं कैसे स्वावलंबी बनकर समाज को नई दिशा दें, इसकी जानकारी भी उनको दी जा रही है और साथ ही जागरूक भी। आज उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे नारी सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण की ओर ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कुछ दिनों पूर्व अभी मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गया था चित्रसेनपुर, वहां एक बच्ची की प्रतिभा को देखा था और उस समय मैंने कहा था इसको नारी सशक्तिकरण समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा, तो आज उस बच्ची को हम लोग सम्मानित भी करेंगे और निश्चित रूप से उसने इस छोटी सी उम्र में अपनी जो प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो बहुत सराहनीय। सर, ये हमारे माननीय योगी जी ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी और ये कार्यक्रम पूरा 1 महीने चला था और हम लोग वहाँ पे गए थे, उनकी बातें सुनी जा करके, हम लोगों ने सुनने के बाद फिर हमने यहाँ पर हर गांव जा करके और सभी महिलाओं को सशक्त किया। हेल्पलाइन के बारे में नंबर दिए गए थे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी हम लोगों को बताया गया था, वो चीज़ हमने बच्चों को और महिलाओं को गाँव में जा जा के बताया और उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने ये भी कहा कि आप हमें बताने आई हैं, आपने हमें बताया, हम और लोगों को जा करके सारी बातें बताएंगे। वहीं 13 साल की छात्रा रोशनी को महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। रोशनी ने अपने घर में तो शौचालय बनवाया ही, साथ ही पूरे गांव में शौचालय का प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। मुझे सम्मान टीएमसी इसलिए दिया है क्योंकि मैंने अपने गांव के लोगों को जागरूक किया है। मैंने कहा अगर शौचालय नहीं होगा तो प्रदूषण होगा और मैंने अपने यहाँ भी, मेरे यहाँ शौचालय नहीं था तो मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में तहसील में पढ़ रही थी, तो वहाँ पे जो भी अधिकारी आता था मैंने शौचालय के बारे में बताया मेरे घर की ये समस्या है। मेरे पिताजी मेरे घर वाले गरीब होने के कारण मेरे यहाँ शौचालय नहीं था, तो गाँव के जो लोग जाते भी जिनके यहाँ था भी जाते भी नहीं थे, तो मैंने उन लोगों से भी कहा। मैंने नारी सशक्तिकरण के बारे में एक कविता सुनाई है और घर में शौचालय उचालय बनवाने के लिए कहा भी है, इसलिए मुझे और सम्मानित किया।
मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह अपनी पत्नी के साथ मंगलवार को ताजमहल का दीदार करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगरा पहुंचे। मालदीव के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, डीजीपी ओपी सिंह ने हवाई अड्डे पर स्वागत कर अगवानी की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल के साथ हवाई अड्डे से होटल अमर विलास पहुंचे, जहां ब्रज के लोक कलाकारों ने ढोल बजाकर और मयूर नृत्य करके उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने लोक कलाकारों के साथ फोटो सेशन भी कराया। इसके बाद राष्ट्रपति अपनी पत्नी और प्रतिनिधिमंडल के साथ बैटरी चालित बस में सवार होकर ताजमहल पहुंचे, जहां उन्होंने ताजमहल का दीदार किया। ताज दीदार के दौरान राष्ट्रपति ने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया और बाद में गाइड से उन्होंने ताज के इतिहास के बारे में जानकारी ली। करीब 50 मिनट से अधिक समय तक ताजमहल का भ्रमण करने के दौरान उन्होंने ताजमहल की जमकर प्रशंसा की। यूपी बार काउंसिल के 25 सदस्यों के चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों के चुनाव में इतिहास में पहली बार जिला न्यायालय इलाहाबाद का एक सदस्य चुना गया। यूपी बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन अमरेंद्र नाथ सिंह एक बार फिर से लगातार चौथी बार सदस्य बने हैं। वर्ष 2000 से लगातार सदस्य के रूप में वो निर्वाचित हुए हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में कुल 298 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। अब तक 7 प्रत्याशी निर्वाचित घोषित हुए हैं। मतगणना पूरी होने के बाद विजयी 25 सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। इस चुनाव में 4683 वोट पाने वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाता है। बहुत खुशी हो रही है और प्रयागराज जिला अधिवक्ता संघ की ऐतिहासिक जीत हुई। एक नया नाम दर्ज हुआ देवेंद्र मिश्र नगरा के रूप में। पहली बार हमारे 27 साल को वकालत में जनपद न्यायालय से कई लोग लड़े, लेकिन दुर्भाग्य से विजेता नहीं बने। बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं आपके ही माध्यम से उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को बधाई देना चाहते हैं और विशेषकर जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, जिन्होंने हमें पूरा सम्मान और मान के साथ मुझे विजेता बनाया। और निश्चित तौर से इसी के साथ मैं एक शपथ के रूप में कह रहा हूँ कि अधिवक्ता सम्मान के लिए ही मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, ये मेरा वादा है। बरेली में किसानों की आय दोगुनी करने और सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतों में 4 दिवसीय किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम चरण के अनुसार ही द्वितीय चरण में 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक किसान पाठशालाओं का आयोजन हो रहा है। पाठशाला का आयोजन गांव के प्राथमिक विद्यालयों में शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक किया जा रहा है। विकासखंड भोजीपुरा के कमुआ मकरुका गांव में भी कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के बीच नियमित जानकारी दे रहे हैं। विभाग की किसान पारदर्शी योजना, डीबीटी योजना, कृषि वानिकी, फसल बीमा योजना आदि के बारे में जानकारी देने के साथ ही आय को दोगुना करने के लिए उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग और अन्य कृषि से संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। और अब मौसम की जानकारी। पहाड़ों पर गिरी बर्फ के बाद प्रदेश का मौसम भी अचानक ठंडा हो गया है। आने वाले समय में प्रदेश के कई स्थानों पर लोगों को कोहरे का सामना भी करना पड़ सकता है। लखनऊ में कल का न्यूनतम तापमान 7.0, मेरठ का 7.4, कानपुर का 7.8 रिकॉर्ड किया गया। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मुंबई में रखी मेट्रो परियोजनाओं की आधारशिला, कहा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार कर रही है काम, आवास के लिए भी दी गई छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा परिवहन, गृह और पीडब्ल्यूडी मिलकर करें सुरक्षा के लिए काम। महिलाओं को जागरूक कर बाल विवाह समाप्त करने समेत अनेक कुरीतियों को रोकने के लिए काम करने वाली बेटियों को किया गया सम्मानित। और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने अपनी पत्नी के साथ मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल का किया दीदार। उन्होंने ताजमहल की
जमकर की प्रशंसा। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।